आज हम आटा से बिस्किट बनाएंगे। उसके लिए 100 ग्राम आटा लिए हैं, 50 ग्राम बेसन लिए हैं। आप केवल आटा से भी बिस्किट बना सकते हैं। 50 ग्राम घी लिए हैं, 75 ग्राम चीनी लिए हैं। चीनी को हम पीस करके पाउडर बना लिए हैं। आप भी बनाएं तो चीनी का पाउडर ही यूज करें। सबसे पहले हम आटा को मिक्सिंग बाउल में निकाल लेंगे। आप केवल आटा से या केवल मैदा से भी बिस्किट बना सकते हैं। इसी में हम बेसन भी निकाल लेंगे। चीनी का पाउडर निकाल लेंगे। आप कभी बिस्किट बनाएं तो चीनी का पाउडर डालने से पहले इसे छान लें ताकि कोई भी लंग्स ना रहे। इलायची पाउडर डाल लेंगे। सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें घी डाल लेंगे। घी डाल करके इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप केवल घी से भी इसका डो लगा सकते हैं। आपको ज्यादा घी ना डालना हो तो घी को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें दूध डाल लें। नमक डाल लेंगे, इसे बिस्किट में अच्छा स्वाद आता है। देख सकते हैं कि घी को हम अच्छे से मिक्स कर लिए हैं और अभी भी ये अच्छा से डो नहीं बना हुआ है। इसका हम डो बनाने के लिए 2 से 3 चम्मच दूध डाल लेंगे। दूध को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसका अच्छा सा डो बन जाए। देख सकते हैं कि अच्छे से डो बन गया है। अब इसमें से हम थोड़ा थोड़ा डो ले करके इसका बिस्किट बना लेंगे। सबसे पहले हम बिस्किट का शेप दे देंगे। आपको जो भी शेप पसंद हो आप उसी शेप में बनाएं। इसे हम हथेली से प्रेस करके बिस्किट का शेप दे दिए हैं। अब इसे हम चाकू से बीच में काट करके डिजाइन दे देंगे। आप ऐसे भी बना सकते हैं। उसके बाद हम चारों तरफ से काट करके निकाल देंगे ताकि बिस्किट का अच्छा सा शेप आ जाए। इसी प्लेट में हम बिस्किट बनाएंगे। इसके ऊपर से हम एल्युमिनियम फॉइल लगा लेंगे। आप इसके जगह बटर पेपर भी यूज कर सकते हैं। आप बटर पेपर यूज करें तो उसमें अच्छे से तेल लगा लें। उसके ऊपर से रिफाइंड ऑयल लगा लेंगे। सारे बिस्किट को बना करके हम तैयार कर लिए हैं। उसके बाद हम इसे प्लेट में निकाल लिए हैं। अब इसके ऊपर से हम थोड़ा थोड़ा दूध लगा लेंगे। दूध लगाने से इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। इसके ऊपर से हम थोड़ा थोड़ा चीनी डाल लेंगे। चीनी डाल लेने से बिस्किट खाने में ज्यादा अच्छा लगता है। इसके ऊपर से हम थोड़ा थोड़ा जीरा डाल लेंगे। बिस्किट बनाने के लिए हम एक कढ़ाई लिए हैं। कढ़ाई में नमक डाल लिए हैं। उसके ऊपर से स्टैंड रख लिए हैं। बिस्किट के प्लेट को हम इसमें रख देंगे और 20 मिनट मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। कढ़ाई को पहले हम प्री हीट कर लेंगे, उसके बाद ही इसमें बिस्किट बनाएंगे। इसे ढककर पकाते हुए 20 मिनट हो गया है। देख सकते हैं कि बिस्किट पक गया है और इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है।
जो हम ऊपर से दूध लगाए थे उसकी वजह से ऊपर में भी देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा कलर आया हुआ है। अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे और अच्छे से ठंडा हो जाने देंगे। आप जब भी बिस्किट बनाएं तो परेशान ना हो, जब हम बिस्किट बनाते हैं तो उस टाइम थोड़ा सॉफ्ट रहता है, जैसे ही बिस्किट ठंडा होगा ये बहुत ही खस्ता हो जाता है। देख सकते हैं कि ठंडा होने के बाद बिस्किट कितना खस्ता हो गया है। इसे हम तोड़ रहे हैं तो आसानी से टूट जा रहा है और खाने में ये तो बहुत ही अच्छा लगता है। आप भी बनाइए और मेरे साथ कमेंट में शेयर कीजिए कि कैसा बना, और आगे कौन सा रेसिपी देखना चाहते हैं वो भी कमेंट में शेयर कीजिए। मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।